अपन यहाँ पे टैली ओपन कर लेते हैं। किस नाम से बनी थी अपनी कंपनी? अच्छा, अपनी कंपनी में पास करते हैं। इतने कर लेंगे आप लोग टीचर को पेरोल वाउचर सैलरी दे देंगे, और अगर आप लीव एब्सेंट कुछ भी माइनस नहीं करते पूरी सैलरी देते हैं, तब आप सैलरी कैसे देते हैं? वाउचर एंट्री के लिए भी प्रेस करेंगे, पेमेंट वाउचर से आप टीचर को सैलरी दे देंगे, अगर पूरी सैलरी दे रहे हैं और लीव एब्सेंट सब कुछ माइनस करने के बाद दे रहे हैं, तब आप उन्हें सैलरी देते हैं पेरोल वाउचर से। कर लेंगे क्या? किसमें एम्प्लॉय एम्प्लॉय का नाम? इसमें सैलरी नहीं आएगी, इसमें डायरेक्ट नाम है, ऐसा बोलिए। हाँ, बाय में आप लिखेंगे उस टीचर का नाम जिसको आप सैलरी दे रहे हैं, और टू में अगर केस दे रहे हैं केस, फोन पे ऑनलाइन ट्रांजेक्शन है तो बैंक, सैलरी नहीं, डायरेक्ट टीचर का नाम आएगा और टू में केस आ जाएगा, क्योंकि टीचर को आप सैलरी देते हैं तो बाय में टीचर का नाम, टू में केस। और अगर आप लीव एब्सेंट माइनस करते हैं, बोनस वगैरह ऐड करके सब कुछ देते हैं, तब आप उन्हें पेरोल वाउचर सैलरी दे देते हैं। कर लेंगे अपनी, इतने में आप लोग कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए अभी। कर लेंगे। अब अपन स्कूल में बात कर रहे हैं, स्कूल में अपन ने सीख लिया पहले स्टूडेंट को एडमिशन करना, स्टूडेंट की फीस सबमिट करना, स्टूडेंट को एडमिशन कैंसिल करना, स्टूडेंट को फीस स्लिप का प्रिंट आउट देना, टीचर्स को नॉर्मल सैलरी देना और पेरोल वाउचर से सैलरी देना, इतना। अब स्कूल में अपन वर्क करते हैं, स्कूल में अपन फर्नीचर वगैरह परचेज करते हैं। फर्नीचर क्या होता है स्कूल के लिए? संपत्ति होती है, असेट होती है, क्योंकि उस फर्नीचर का यूज पर्सनल यूज के लिए किया था, स्कूल में स्टूडेंट वगैरह के लिए यूज होता है फर्नीचर, तो वो किस लिए यूज हो रहा है? स्कूल के पर्सनल यूज के लिए, तो वो क्या हो जाएगी? संपत्ति हो जाएगी। स्थायी संपत्ति क्या होती है? जिसका यूज अपन लंबे टाइम तक करते हैं और बिजनेस के पर्सनल यूज के लिए करते हैं, वो फिक्स्ड असेट होती है, स्थायी संपत्ति। अब अगर अभी आप स्कूल में फर्नीचर परचेज करेंगे, तब आप वाउचर एंट्री के लिए भी प्रेस करेंगे। अगर आप नगद संपत्ति खरीदते हैं, संपत्ति कुछ भी फर्नीचर हो कंप्यूटर है, नगद खरीदते हैं तो एंट्री किसमें करेंगे? पेमेंट वाउचर। संपत्ति अगर नगद है तो एंट्री करना है आपको पेमेंट वाउचर में। बाय में आ जाएगा संपत्ति का नाम, क्योंकि अपने पास संपत्ति आ रही है, अल्टा प्लस सी से लेजर बना देते हैं। जैसे अपन फर्नीचर परचेज कर रहे हैं तो आपने लेजर बनाया फर्नीचर अकाउंट, अंडर में आ जाएगा असेट में, एंटर करके सेल। अब जैसे अपन यहाँ पे 45,000 का फर्नीचर परचेज कर रहे हैं, अमाउंट डाल देंगे 45,000, अपने पास से केस जा रहा है तो टू में आप लिखेंगे यहाँ पे केस, एंट्री हो जाएगी बाय फर्नीचर अकाउंट टू केस अकाउंट। अगर आप फोन पे वगैरह से पेमेंट करना ऑनलाइन ट्रांजेक्शन है, तब आप क्या लिखेंगे? बैंक। एंटर करेंगे, आप यहाँ पे नरेशन डालेंगे बी फर्नीचर परचेज बाय केस, केस जा रहा है तो बाय केस, एंटर करके सेव कर देंगे, इतना कर लेंगे। लेकिन अगर यही फर्नीचर अपन उधार खरीदते हैं, तब आपको एंट्री करना है F7 से जनरल वाउचर, तब एंट्री कितना करेंगे? जनरल वाउचर। अब इसमें एंट्री क्या हो जाएगी? आप उधार फर्नीचर खरीदें चाहे नगद, अपने स्कूल में तो फर्नीचर आ रहा तो बाय में ही आएगा, अकाउंटिंग का रूल है, जो कि बिजनेस में आती है उसे बाय करते हैं, तो फर्नीचर आपके किसमें आएगा? बाय। अब अपन 25,000 का उधार फर्नीचर परचेज कर रहे हैं, तो बाय में आ जाएगा फर्नीचर, लेकिन टू में आएगा उस पर्सन का नाम जिससे अपन परचेज कर रहे हैं, अल्टा प्लस सी से, जैसे राम से कर रहे हैं, आप यहाँ पे राम से अकाउंट का लेजा बना दें, और जब भी आप किसी पर्सन के नाम का लेजा बनाते हैं उसके आगे आप अपोस्ट्रॉफी एस ला दें। अभी अपोस्ट्रॉफी एस क्यों लाते हैं? अपोस्ट्रॉफी एस का मतलब होता है, अगर आप यहाँ पे राम के आइए एस नहीं लाएंगे, डायरेक्ट आपने रख दिया अकाउंट, तब क्या हो जाएगा? राम पर्सन का नाम है, अकाउंट मतलब खाता, राम खाता, जबकि राम खाता नहीं होता, क्या होता है? राम का खाता, राम का खाता होता किसी व्यक्ति का खाता होता, जैसे राम का खाता श्याम का खाता, अपोस्ट्रॉफी एस जो रहता है क्या होता है? का काम करता, मतलब राम का खाता। अगर आप अपोस्ट्रॉफी एस नहीं लाएंगे तब क्या हो जाएगा?
राम खाता, जबकि राम खाता कुछ नहीं होता, क्या होता है राम का खाता। इसलिए जब भी आप किसी पर्सन के नाम से लेकर बनाएंगे अपोस्ट्रोफी लाएंगे, क्योंकि राम का खाता होता है। एंटर करेंगे, अपन राम से फर्नीचर परचेज कर रहे हैं। उदाहरण अंडर में आ जाएगा सन्ड्री क्रेडिटर्स, क्योंकि इन फ्यूचर अपन राम को पेमेंट करेंगे, राम अपन से लेने वाला है, इन फ्यूचर अपन से पेमेंट ले लो आप। अपोस्ट्रोफी या तो आप उस पर्सन के नाम के अकाउंट नहीं लाने, या तो आप सिर्फ राम लिखेंगे, और अगर अकाउंट लाते हैं तो आपको अपोस्ट्रोफी लाना पड़ेगा, क्योंकि अगर अकाउंट ला दिया तो मतलब हो गया उसका खाता। अब राम खाता नहीं होता, क्या होता है राम का खाता होता है। इसलिए या तो आप उससे नाम के आगे अपोस्ट्रोफी ला दिए फिर अकाउंट लिखिए, या तो आप उससे नाम के आगे अकाउंट लिखिएगा। लेकिन अगर आपने एस नहीं लगाया और अकाउंट लिखती है तब वो गलत हो जाएगा। बिना अपोस्ट्रोफी अकाउंट लिखेंगे पर्सन के नाम के आगे तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, अब एंटर करेंगे। फिर आपसे यहाँ पूछ रहा है डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड, अपन कितने टाइम पर पेमेंट कर देंगे, राम को कितने टाइम पर पेमेंट कर देंगे। जैसे अपन ने राम से बोला हम आपको 20 दिन बाद पेमेंट कर देंगे, आप यहाँ पे डाल देंगे 20। एंटर करेंगे, यहाँ पे आप पूरी डिटेल डाल के एंटर करके सेव कर देंगे। अब एंट्री क्या हो जाएगी, बाय फर्नीचर अकाउंट टू राम अकाउंट। एंटर करेंगे, यहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे न्यू रेफरेंस। देखिए यहाँ पे डेट आ गए, अपन परचेज कर रहे हैं 2/4/2023 को, तो 20 दिन तक पूरे हो जाएंगे 22 अप्रैल। पेमेंट कब करेंगे, 22 अप्रैल 2023 को। एंटर करेंगे, अब यहाँ पे एंट्री हो जाएगी बाय फर्नीचर अकाउंट टू राम अकाउंट। नरेशन डाल देंगे बी फर्नीचर परचेज ऑन क्रेडिट, उधार फर्नीचर खरीदो। एंटर करके सेव कर लेंगे। आप इतने में कोई डाउट हो तो पूछ कर लेंगे, कोई डाउट नहीं। अब आपने स्टॉल में फर्नीचर तो परचेज कर लिया, नगद खरीदेंगे तो पेमेंट वाउचर, उधार खरीदेंगे तो जनरल वाउचर, और दोनों ही कंडीशन में बिजनेस में फर्नीचर आता है तो बाय में आ जाएगा फर्नीचर, और नगद है तो टू में आएगा केस, उधार है तो टू में आ जाएगा उस पर्सन का नाम। फर्नीचर खरीदने के बाद अब इस फर्नीचर का अपन लंबे टाइम तक यूज करेंगे। अभी आप देखिए जब बैलेंस शीट के लिए आप बी प्रेस करेंगे, आपको बता रहा है फिक्स्ड एसेट में 70,000, दो बार फर्नीचर परचेज किया, एक बार 45,000 का नगद और 25,000 का उधार, टोटल फर्नीचर कितने खरीदा है अपन ने 70,000। अभी जो आपने फर्नीचर 70,000 में खरीदा, इसका यूज करने के बाद अगर आप इसे 7 महीने के बाद बेच रहे हैं तो क्या कोई पर्सन आपसे 70,000 में लेगा, नहीं लेगा। अभी जो फर्नीचर आपने 70,000 में खरीदा इसका यूज करने के बाद जब आप इसे सेल करेंगे, ये फर्नीचर आपका 70,000 में नहीं जाएगा, उसके मूल्य में कमी आ जाएगी, तो वो क्या होता है मूल्य ह्रास। डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन की डेफिनेशन होती है किसी भी स्थायी संपत्ति के निरंतर प्रयोग करने से उसके लागत मूल्य में किसी भी कारणवश आई हुई कमी को मूल्य ह्रास बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं डेप्रिसिएशन। अब उससे लागत मूल्य में किसी भी कारण से कमी आ जाती है वो क्या हो जाता है मूल्य ह्रास। तब आप क्या करते हैं इसमें ह्रास की एंट्री आप करते हैं। अब आप इसमें जब हिरास की एंट्री करते हैं वो किसमें करते हैं जनरल वाउचर, लेकिन हिरास कभी भी आप मन से नहीं डाल, जो डेप्रिसिएशन होता है वो कभी भी अपन मन से नहीं डाल। आप क्या करते हैं उसका कैलकुलेशन करते हैं, पहले आप उसे निकाल लेते हैं। आज अपन निकालना सीख लेते हैं, कल हम आपको एंट्री करना बता देंगे। अभी अपन इसे मिनिमाइज करते हैं, अपन यहाँ पे ओपन करते हैं एक्सेल। अपन संपत्ति परचेस कर रहे हैं तो संपत्ति आप जितने में खरीद रहे हैं वो क्या हो जाता है उसका लागत मूल्य कॉस्ट प्राइस। यहाँ पे आप डालेंगे कॉस्ट प्राइस, फिर यहाँ पे आप लिखते हैं गारंटी वारंटी। जैसे फर्नीचर अपन ने खरीदा 70,000, कितने का खरीदा अपन ने 70,000। अब इस पे आपको गारंटी वारंटी कितने टाइम की मिली हुई, एक बार 45,000 था, एक बार 25,000 था, टोटल बिजनेस में फन अपन हमने तो सिर्फ आपको एंट्री करके बताई थी किस टाइप से आप खरीद लेते हैं नगद और उधार। टोटल फर्नीचर अपन ने खरीदा 70,000 था,